कहीं दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आरसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है यूज ऑफ फार्मूला। आज हम इस वीडियो में मैथ से रिलेटेड 12 फार्मूला के बारे में बताएंगे दोस्तों कि ये फार्मूला एक्सेल में किस प्रकार वर्क करता है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सारा को बनाकर रखे हुए दोस्तों, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लायर, डिवीजन, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, काउंटा, मोड, फैक्टोरियल। तो चलिए इस फार्मूला को बारी बारी से हम बताते हैं दोस्तों कि किस प्रकार यूज किया जाता है। चलिए, तो पहला फार्मूला है एडिशन। हम कई तरीका से ऐड करने के लिए बताएंगे दोस्तों। हम इसलिए बनाकर रखे हुए हैं दोस्तों कि आपका कीमती समय को ज्यादा बर्बाद ना करें, आपका वक्त ज्यादा नहीं लेंगे दोस्तों, इसीलिए हम पहले से बनाकर रखे हुए हैं। चलिए ध्यान से देखिए और समझिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है। इस फार्मूला के बारे में सभी लोग के जानना जरूरी है दोस्तों, ये मैथ से रिलेटेड फार्मूला है। तो चलिए फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू लिखे हुए हैं 50, 40, 60, इस प्रकार वैल्यू है। तो यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। चलिए पहले हम कैलकुलेटर विधि से इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस प्रकार हम लोग कैलकुलेटर से ऐड करते हैं, इक्वल टू फार्मूला के आगे बराबर का चिन्ह लगाना है दोस्तों। अगर बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो कोई भी फार्मूला काम नहीं करेगा। इक्वल टू एरो की, अप एरो की से ऊपर जाएंगे, सेलेक्ट 50 को सेलेक्ट किए थे, यहाँ पर लिख दिया A4। क्यों लिखा दोस्तों? क्योंकि एक कॉलम में और 4 रो के सामने है, इसलिए यहाँ पर इंडिकेट कर दिया A4। ये जो सेल है ना, ये कॉलम के सामने है और 4 रो के सामने है, इसलिए यहाँ पर A4 इंडिकेट किया दोस्तों। प्लस का चिन्ह देंगे और इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे 40 वाले को, फिर प्लस और इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। आप एरो की से कर सकते हैं या माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटर बटन प्रेस, क्या करना है? इंटर बटन प्रेस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट आ गया आपका 150। समझ गए? चलिए फिर से इक्वल टू, इस पर क्लिक किए प्लस, इस पर क्लिक प्लस, इस पर क्लिक और इंटर बटन प्रेस। तो देख रहे हैं किस प्रकार ऐड कर दिया। चलिए दूसरा तरीका से बताते हैं। इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन। अब यहां सम फॉर्मूला टाइप किए दोस्तों, तो यहां मांग रहा है नंबर, पूछ रहा है नंबर। तो नंबर में ये सारा नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस, इंटर बटन प्रेस। तो देखिए दोस्तों, अगर ये फॉर्मूला से जुड़े तो उतना ही रिजल्ट आया। चलिए तीसरा नियम, इसको डिलीट करते हैं। तीसरा नियम यह है कि यहां पर ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, देख रहे हैं ऊपर में है ऑटो सम, ये फॉर्मूला मेनू का ऑप्शन है ऑटो सम। ऑटो सम पर क्लिक करेंगे और इंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो देखिए आसानी से जोड़ दिया दोस्तों। तो ये बहुत कमाल का फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है दोस्तों, एडिशन यानी सम। चलिए अगला तरीका बताते हैं दोस्तों। ये बहुत कम समय में ऐड करता है, मिनट के काम सेकंड में दोस्तों। कितना हूं वैल्यू को जोड़ना है तो आप 2 सेकंड में जोड़ सकते हैं दोस्तों, लाखों हजारों वैल्यू को। तो चलिए कीबोर्ड से अल्ट बराबर इंटर प्रेस करना है। क्या करना है? अल्ट बराबर इंटर। तो चलिए हम अल्ट बराबर इंटर करते हैं, अल्ट बराबर इंटर। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से ऐड कर दिया, अल्ट बराबर इंटर, इसको भूलना नहीं है दोस्तों, हमेशा के लिए माइंड में स्टोर कर लीजिए अल्ट बराबर इंटर। तो चलिए अगला फॉर्मूला पर हम बात करते हैं। ये फॉर्मूला
इक्वल टू एस यू बी। अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, यहां पर बराबर का चिन्ह देंगे, इक्वल टू एरो की से 80 को सेलेक्ट करेंगे, माइनस 30 को सेलेक्ट करेंगे, इंटर। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से घटा दिया, 80 माइनस 30 बराबर रिजल्ट 50। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किस प्रकार वर्क कर रहा है फॉर्मूला। आगे मल्टीप्लाई, चलिए यहां पर हम फॉर्मूला को इंटर करते हैं। सबसे पहले हम मैनुअली बता देते हैं, इक्वल टू इतना गुने, यहां नंबर की के ऊपर स्टार वाला बटन है, एक गुना का चिन्ह है दोस्तों, गुने 10, इस वैल्यू को सेलेक्ट किए, इंटर। तो देखिए दोस्तों आसानी से गुना कर दिया, 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200 आएगा। चलिए यहां पर डिलीट करते हैं, इक्वल टू पी आर ओ डी यू सी टी प्रोडक्ट। देखिए यहां पर नीचे आपका फॉर्मूला दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक या टैब बटन को दबाएंगे तो फॉर्मूला इंसर्ट हो जाएगा दोस्तों, या डबल क्लिक कीजिए या टैब बटन का प्रयोग कीजिए, अब ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों वैल्यू को क्या किए सेलेक्ट, अब ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखिए दोस्तों आसानी से गुना कर दिया, अगर यहां पर कोई भी वैल्यू हम चेंज करते हैं 30, और जैसे हम इंटर या एरो की दबाते हैं तो यहां हो गया दोस्तों, अगर यहां पर हम 50 करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक गुना हो रहा है दोस्तों, अगर इसमें भी 50 माइनस अगर 30 करना है तो देखिए रिजल्ट 20 आ गया, अगर इसमें भी किसी को नया ऐड करना है 60 तो देखिए यहां पर ऑटोमेटिक 170 हो गया, अगर यहां 150 कर देते हैं तो यहां पर देखिए 270 हो गया। देख रहे हैं किस प्रकार फॉर्मूला वर्क कर रहा है। चलिए डिवीजन, डिवीजन पर बात करते हैं कि डिवीजन यानी भाग, इक्वल टू 200 को सेलेक्ट करेंगे, भागा या नंबर की के ऊपर भाग का चिन्ह है, इसको हम प्रेस करेंगे और इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर। तो देखिए दोस्तों 200 में अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 4 आएगा, बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर कोई वैल्यू अगर हम यहां पर चेंज करते हैं 150, और जैसे इंटर बटन या एरो की दबाते हैं तो यहां पर रिजल्ट सामने है दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है दोस्तों, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम फिर से नया तरीका से बताएंगे दोस्तों। चलिए अब आगे नेक्स्ट फॉर्मूला पर हम बात करते हैं, आपका है परसेंटेज। तो परसेंटेज किस प्रकार काम करता है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ए वैल्यू को ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे, इक्वल टू चलिए सम तरीका से जोड़ लेते हैं, एस यू एम ब्रैकेट ओपन, यहां नंबर मांग रहा है तो नंबर में इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे, इस नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर। अब यहां पर परसेंटेज निकालते हैं दोस्तों, इक्वल टू इतना गुने 100, परसेंट का मतलब होता है दोस्तों 100, अब भागा फुल मार्क, चलिए 500 से डिवाइड कर देते हैं, इंटर। तो देखिए दोस्तों यहां पर 46% आया दोस्तों, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो देखिए कैसे ऑटोमेटिक परसेंटेज 53%, अगर यहां हम 75 कर देते हैं तो देखिए यहां पर 63%, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत, हमको औसत निकालना है तो यहां पर एवरेज फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू ए बी ई आर ए जी ई एवरेज। देखिए यहां पर नीचे एवरेज आ गया, इस पर टैब या डबल क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मूला इंसर्ट हो जाएगा, और यहां पर पूछ रहा है नंबर, तो नंबर में इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे, सारा नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे, अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर बटन प्रेस।
तो देखिए दोस्तों यहां पर एवरेज निकाल दिया 59.8। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम। अधिकतम वैल्यू को निकालना है तो मैक्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। अगर आपको सैलरी शीट चेक करना है कि सबसे ज्यादा सैलरी किसका है, या नंबर्स चेक करना है कि सबसे ज्यादा किस कैंडिडेट का नंबर है, यहां पर मैक्स फॉर्मूला काम करेगा दोस्तों। क्या काम करेगा? मैक्स मैक्स। चलिए यहां पर मैक्स फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। इक्वल टू एम ए एक्स मैक्स ब्रैकेट ओपन। अब यहां पर पूछ रहा है नंबर, तो नंबर में सारा वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 92 है, वो 92 को वापस कर दिया। अगर यहां हम लिख देते हैं 150, तो देख यहां पर हम टाइप कर देते हैं 150, तो देखिए यहां पर सबसे बड़ा कौन वैल्यू है? 150। चलिए मीन, इसका विपरीत है मिनिमम यानी न्यूनतम। यह सबसे छोटा वैल्यू को वापस करेगा दोस्तों, न्यूनतम वैल्यू को वापस करेगा। तो चलिए फॉर्मूला को इंटर करते हैं। इक्वल टू एम आई एन मीन, पूरा मिनिमम नहीं लिखना है, मीन लिखना है। अगर पूरा मिनिमम लिखिएगा दोस्तों तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहां पर पूछ रहा है नंबर, तो इस नंबर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, सारा नंबर को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस। तो देखिए दोस्तों यहां पर सबसे छोटा वैल्यू 8 है, आपका रिजल्ट 8 वापस कर दिया दोस्तों। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर यहां पर हम दो वैल्यू टाइप करेंगे तो देखिए आपका नीचे बता रहा है कि सबसे छोटा 2 है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पर हम बात करते हैं काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनती। ये फॉर्मूला गिनती वापस करता है दोस्तों कि कितना सेल में वैल्यू लिखा गया है, वो वैल्यू को काउंट कर लेता है दोस्तों। लेकिन काउंटा, काउंट और काउंटा में क्या अंतर है हम बताते हैं दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा काउंट और काउंटा में क्या फर्क है। तो चलिए सबसे पहले हम काउंट इस्तेमाल करते हैं। इक्वल टू सी ओ यू एन टी काउंट, और नंबर में इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, जितना वैल्यू को अगर काउंट करना है सेलेक्ट कर लिए, अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंटर। तो देखिए दोस्तों 4 सेल में लिखा हुआ है, तो यहाँ 4 रिजल्ट दे दिया। देखिए 1 2 3 4 यानी 4 सेल में लिखा हुआ है काउंट। अगर यहां पर हम काउंट इस्तेमाल करते हैं तो यहां फॉर्मूला फेल हो जाएगा दोस्तों, काउंट काम नहीं करेगा। चलिए पहले काउंट करके दिखाते हैं। सी ओ यू एन टी काउंट ब्रैकेट ओपन, ये वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे इंटर। तो देखिए दोस्तों यहां पर 3 रिजल्ट दे रहा है, लेकिन यहां पर 4 सेल में लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो ये काउंट जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू को गिनती करता है, लेटर को गिनती नहीं करता दोस्तों, वर्ड को गिनती नहीं करता है, केवल वैल्यू को गिनती करता है, अंक को गिनती करता है, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन काउंटा वर्ड या वैल्यू अंक दोनों को गिनती करता है दोस्तों, कुछ भी रहे या वर्ड रहे या वैल्यू रहे, वो सारा को काउंट कर लेता है काउंटा फॉर्मूला। तो चलिए काउंटा फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। इक्वल टू सी ओ यू एन टी ए काउंटा ब्रैकेट ओपन, और नंबर वैल्यू में पूछ रहा है, तो सारा वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे जितना को काउंटिंग करना है, अब ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखिए दोस्तों यहां पर 4 बता दिया, ये राजू को भी काउंट कर लिया। यही तो फर्क है दोस्तों काउंट और काउंटा में, कि काउंट जो है केवल अंक को गिनती करता है, लेकिन काउंटा अंक और शब्द दोनों को गिनती करता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया दोस्तों काउंट और काउंटा में। चलिए यहां पर फॉर्मूला है मोड। ये क्या करता है? ये रिमाइंडर वापस करता है, यानी शेषफल वापस करता है दोस्तों। अगर हम 50 में 13 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो वापस करेगा। इक्वल टू, चलिए यहां पर फॉर्मूला यूज करते हैं,
इक्वल टू एम ओ डी मोड ब्रैकेट ओपन, और यहां पर इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे कोमा, इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे अब ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए दोस्तों यहां पर रिमाइंडर 11 आ रहा है दोस्तों। अगर यहां पर हम 20 टाइप करते हैं तब देखिए कितना शेष आ रहा है 7। अगर यहां पर हम 14 टाइप करते हैं तो 6 20 6। यदि हम यहां पर 300 टाइप करते हैं तो 6। अब यहां पर अगर हम 15 टाइप कर देते हैं तो 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग लग जा रहा दोस्तों, कट जा रहा है, इसलिए 0 दिया। अगर यहां पर हम 7 करते हैं तो 6। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, शेषफल वापस करता है, शेषफल वापस करता है। चलिए यहां पर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है गुणनखंड, यानी गुणनखंड वापस नहीं करता है, गुणनफल वापस करता है दोस्तों। गुणा करने की क्रिया को गुणनखंड, और जो फल प्राप्त होता है उसको गुणनफल बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए ये फॉर्मूला फैक्टोरियल गुणनफल वापस करेगा। तो यहां पर पूरा फैक्टोरियल नहीं लिखना है, इक्वल टू एफ ए सी टी, बस इतना ही लिखना है दोस्तों, फैक्ट लिखना है एफ ए सी टी। अगर पूरा फैक्टोरियल लिख दीजिएगा तो आपका फॉर्मूला काम करना बंद कर देगा दोस्तों। यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब यहाँ पूछ रहा है नंबर, तो नंबर में वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम 5 को सेलेक्ट कर लेते हैं, अब ब्रैकेट को क्लोज करते हैं एंटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 120 रिजल्ट दे दिया। अब कैसे दिया दोस्तों, तो यहाँ पर फैक्टोरियल का मतलब होता है गुणनखंड, यानी 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अब सारा को हम बराबर करेंगे तो 120 आएगा दोस्तों। तो जितना का फैक्टोरियल पूछे तो 1 से स्टार्ट कीजिए, वहां जाकर एंड हो जाइए, और गुना करके जो आएगा दोस्तों वो आपका फैक्टोरियल वैल्यू होगा दोस्तों। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहां पर अगर हम देखते हैं कि 6 का फैक्टोरियल कितना होगा तो 720, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 6, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा 24, 8 का फैक्टोरियल कितना होगा 8 का फैक्टोरियल कितना होगा इतना होगा दोस्तों, 5 का फैक्टोरियल 120। तो देख रहे हैं फॉर्मूला किस प्रकार काम कर रहा है, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो समझ में आ गया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। बेल आइकन अगर आप दबाते हैं दोस्तों तो आपका नोटिफिकेशन हमारा वीडियो का मिलते रहेगा दोस्तों, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा दोस्तों। तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।